सर आप पीड़िता से मिलने आए थे हॉस्पिटल, क्या बातचीत हुई डॉक्टर से? हमारे विधायक साथी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और हम सब हमारी 12 साल की उस बेटी से मिलने आए जिसके साथ विभत्स और दुर्दांत बलात्कार हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डॉक्टर साहेबान ने बताया कि जिस जानवर और बहशीपन से वो बलात्कार हुआ, हमारी उस बिटिया के सारे गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं और उनको नए सिरे से रीस्ट्रक्चर किया गया है और शायद 1 से 2 महीने उसे पूरा ठीक होने में लग जाएंगे। पांच या छह बातें सामने आई हैं। कल जब मैं आया, कल तक भी शिवराज सिंह चौहान चुप्पी साधे रहे। रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी का राज क्या है शिवराज जी? और आप इस बेटी से मिलने यहां क्यों नहीं आए? आपको उत्सव मनाने का समय है, जलसे करने का समय है, आपको बयानबाजी करने का समय है, पर 4-4 दिन तक बलात्कार के बाद सांत्वना का एक शब्द बोलने का समय नहीं? क्या आपको अधिकार है कुर्सी पर बने रहने का? दूसरी बात, सरकार और उसकी पुलिस बार बार ये कहती रही, बार बार ये बयान देते रहे कि ये लड़की भिखारी है और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अब सामने आ गया कि ये सतना में एक दलित परिवार की बेटी है। शिवराज जी, आप क्या कर रहे थे, आपको क्यों नहीं पता चला? तीसरा, ये बिटिया सतना से उज्जैन तक कैसे आई, इसकी आपको जानकारी क्यों नहीं? सतना में FIR 25 तारीख को दर्ज हुई, इसकी जानकारी क्यों नहीं? उसके बाबा 24 तारीख को सतना के थाने में FIR दर्ज करवाने गए, आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की? क्या इनमें से किसी बात का जवाब देंगे? और वो भैंसी दरिंदा एक नहीं हो सकता, वो अनेक हैं जिसने इस प्रकार का भैंसीपन हमारी बिटिया के साथ किया है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन जब तक रहेगा वह असुरक्षित रहेंगी। 12 साल की यह अबोध बालिका इसका जीवंत सबूत है। कांग्रेस पार्टी में हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्णय किया है कि पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए की एक छोटी सी आर्थिक सहायता करेंगे और भी जो परिवार को मदद होगी वो भी हम सब करेंगे, पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। वो भागकर पीछा छुड़ाकर अपने जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। शिवराज सिंह ने उसमें मध्य प्रदेश की बेटी बताया है कल रात में। 4 दिन के बाद उन्हें मध्य प्रदेश की बेटी नजर आई? ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं, ऐसी सरकार को